हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर का सेकंड पोएम शेपर्स शेप्ड, रिटन बाय हरिनाथ चट्टोपाध्याय। ये बंगाली राइटर थे, इन्होंने बहुत सारे पोएम्स और स्टोरीज लिखे हैं। और इस पोएम प्रस्तुत पोएम में उन्होंने जो बीत गए वो समय को अभी के समय के साथ कंपेरिजन करते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। जैसे पहले उन्होंने एक पॉटर मतलब कुम्हार की तरह कंपेयर किया है, फिर एक पॉइट की तरह, फिर एक शॉवर्ड मेकर की तरह और एक ड्रीमर की तरह, चार टाइप में उसने डिस्क्राइब किया है। तो अपन आज पोएम को आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको पोएम दिखा दिखा के एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और कुछ भी डाउट होगा तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिएगा। यहाँ देखिए पोएम में क्या लिखा है। फर्स्ट, इन द डेज गॉन बाय आई यूज टू बी अ पॉटर, वुड आई फील इज अ फिंगर मोल्डेड होल्डिंग द क्ले एंड पैटर्न ऑन द व्हील्स। मतलब ये जो बीता हुआ समय के बारे में बोल रहे हैं, इन द डेज गॉन मतलब जो बीत गए समय, आई यूज टू बी अ पॉटर मतलब एक कुंभार थे, पॉटर मीन्स कुंभार। मैं उस टाइम में मेरे फिंगरों से ऐसे क्ले मतलब कि मिट्टी को कैसे चाहिए वैसे बदल के वो अच्छे से उसको शेप्स देते थे, मतलब पैटर्न्स देते थे अलग अलग। बट द नाउ द थ्रू द विजडम लेटली वॉन दैट प्राइड हैज़ डाइड अवे। जैसे टाइम बीतता गया उनकी जो प्राइड थी जो क्ले वेसल्स बनाने की मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने की, उसका विजडम गया और वो प्राइड भी गया। तो आई हैव चीज टू बी अ पॉटर, हैव लर्न टू बी अ क्ले। तो अभी मैं पॉटर नहीं रहा, अभी मैं अभी क्ले बनना सीख गया। तो क्ले कैसा है वैसे मतलब क्ले के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करके क्ले के बारे में और क्ले बनना सीख लिया। तो एक तो हो गया क्ले वेसल के। नाउ द पॉइट थ्रू इन दोज डेज आई यूज टू बी द पॉइट थ्रू स्पैन इन नेबरेबल सॉन्ग्स वुड बी कम टू विन द हार्ट्स ऑफ द मैन। इसका अर्थ है कि जैसे बीते हुए समय में मैं एक पॉइट था, मेरे पेन से मैंने इतने सारे सॉन्ग्स स्टोरीज पोइम्स लिखे थे और वो सबके हार्ट जीते। बट नाउ थ्रू द न्यू गॉट नॉलेज, जैसे अभी न्यू है जैसे बीतते गया नए नए नॉलेज आते गया, विच आई हैड नॉट टू बी अ सो लॉन्ग, अभी जैसा था वैसा ना रह पाया, आई हैव टू बी इज टू बी अ पॉइट एंड लर्न टू द सॉन्ग। तो अभी मैं पॉइट नहीं रहा, अभी मैं सॉन्ग बनना सीख गया हूँ। सॉन्ग मतलब सॉन्ग में जो पहले जो प्राइड थी पॉइट की वो प्राइड नहीं रहा, बस अभी सॉन्ग कैसा है वो सब चीज़ें इसको सीखने को मिला है। मतलब पॉइट अभी पॉइट नहीं रहा बट उस सॉन्ग की वैल्यू उसको पता चली। और वो तो ऐसे पॉइट का जाने के बाद दूसरा उन्होंने बताया, आई वॉज अ फैशनर ऑफ द सोवर्ड इन दोज डेज दैट न्यू आर गॉन विच हंड्रेड ऑफ बैटल फील्ड्स गिल्टर विद ग्लीम एंड शोन एंड बट नाउ दैट वॉज अ ब्रीमिंग विद द साइलेंस ऑफ द लॉर्ड एंड आई चीज टू बी सोवर्ड मेकर एंड आई वॉज लर्न टू बी द सोवर्ड। तो जैसे समय जाता गया मैं एक तलवार बनाने वाला था, अभी दिन जैसे बीत गए हैं अभी सैकड़ों युद्ध मतलब हंड्रेड ऑफ बैटल फील्ड मतलब सैकड़ों युद्ध भूमि पर वो झलक उठाया था, चमक उठाया। बट जैसे टाइम बीतता गया सब ईश्वर ने ये शांति ईश्वर की शांति साइलेंस ऑफ द लॉर्ड पालन करने लगे। तो आज तलवार बनाने में मिट चुका है एंड आई वॉज टू बी एंड आई लर्न टू बी द सोवर्ड, मैं अभी एक तलवार बनना सीख गया हूँ। मैं एक तलवार की तरह पहले जो प्राइड था तलवार बनाने वाला मेकर की तरह वो मेरे से छिन गया है, बट तलवार बनाना अभी मैं सीख गया हूँ। मतलब उसका वैल्यू अभी उसको पता चल रहा है, जब पढ़ाते थे तभी उसके बारे में वो प्राइड थे, अभी वो प्राइड धीरे धीरे बीतता गया है। अभी लास्ट स्टैंड में है क्या लिखा है, इन बैगॉन टाइम्स आई यूज टू बी अ ड्रीमर was half and a side of innocence emerald and a pulse। तो जैसे बीता हुआ समय वर्षों पहले मैं स्वप्न माँ रचित रहतो अने मारो नीलम अने मोतियों ना माल। तो वही यहाँ पे वही बोला नीला और जो मोती होता है उसके मालिक होने का घमंड था पहले, तो वो सब अभी उतर गया है, वो अभी वो ड्रीम करना बंद कर दिए हैं एंड नाउ आई एम अ नीइंग दैट एट द फीड ऑफ द सुप्रीम। अभी वो स्वप्न शक्ति ये हो चुके हैं
और जो भगवान के चरणों में सुप्रीमेंस जो एनलाइटमेंट जो भगवान है ऑलमाइटी है उनके चरणों में बैठे हैं। आई वॉज यूज टू बी अ ड्रीमर एंड हैव लर्न टू बी द ड्रीम। अभी वो ड्रीम बनना ड्रीम ड्रीमर बन दोगे वो ड्रीम को सपने बन चुके हैं। इस पोएम से आपको आइडिया आ गया है तो उन्होंने पहले कैसे थे और अभी कैसे चेंजेस हुए हैं उनकी लाइफ में, उन्होंने वही बताया हुआ है जो फास्ट और प्रेजेंट के बारे में। तो उन्होंने जो पहले जो प्राइड थी वो सब चीजें अभी धीरे धीरे वो निकल गई। अभी उन्होंने मीन्स अपने आप को सर्कमस्टेंस के हिसाब से चेंजेस करने और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस होने का कारण बताया है। तो ये पोएम में बहुत अच्छे से बताया है, जैसे पहले जो बताया था कि वो पॉटर थे, फिर उन्होंने बहुत सारे अलग अलग शेप्स बनाना सीखे हैं। बट ही वॉज नॉट ए शेपर बट अ मर्सी क्ले विद अ शेप्ड, मीन्स वो अभी वो जान गए कि मैं शेपर नहीं हूँ, एक क्ले जैसा हूँ जो शेप्स देने का ट्राई कर रहा हूँ और वो शेप सीखा है। तो बिहाइंड द डेज ऑफ पॉइट अ ग्रेट पॉइट पर्टिकुलर कंपोज नंबर ऑफ सॉन्ग्स, पहले बहुत सारे सॉन्ग्स बनाया उन्होंने बट मोस्टली सॉन्ग इज कम्पोज। अभी वो रियलाइज हुए कि वो मैं कंपोज कर रहा हूँ। तो ऐसे चीजें वो जो पहले के थे वो धीरे धीरे उन्होंने चेंजेस करना और चेंजेस एक्सेप्ट किया और लाइफ में आगे बढ़े।